जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, काफी होनहार बच्चे यहां पर हैं। जम्मू से ही काफी खिलाड़ी भी यहां पर हमें देखने को मिले। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर आईटी सेक्टर में भी जाने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हमें मिले, लेकिन छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल करने वाले विद्यार्थियों की गिनती काफी कम है। और बात अगर डोगरी की आए तो डोगरी को प्रमोट करने के लिए इन दिनों काफी कलाकार जो हैं अपना हाथ और योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी के योगदान की जो है वो प्रशंसा करता हूं और उनको जो है उनका हौसला अफजाई भी करता हूं। लेकिन हर एक इंसान में, अक्सर जब रात को डोगरी में आप सबसे संवाद करता हूं, आप सबसे बातचीत करता हूं, आप लोग बड़ा सारा प्यार जो है हमारी डोगरी भाषा को देते हैं। जम्मू की अगर बात करूं, आज आपने कैप्शन में जो पढ़ रहे होंगे कि बारहवीं पास करने वाला एक छात्र जम्मू का जो है वो डोगरी को प्रमोट करने के लिए उसने कमाल कर दिया। और आपने YouTube का नाम सुना होगा, उसने डोगरी को प्रमोट करने के लिए अपना एक नया आविष्कार और एक नए एप्लीकेशन का निर्माण किया, इन्वेंट किया, जिसका नाम डोगरी ट्यूब है। मैं आपको उस होनहार बालक से रूबरू करवाऊंगा जिसका नाम हर्ष कुमार है, वो मेरे साथ है। जब उसने मुझसे संपर्क किया तो मेरे से भी रहा नहीं गया और मैं उसको आप सभी के सामने रूबरू करवाने जा रहा हूँ, तो आप सीधा उन्हीं से मिलवाता हूँ आपको। हाँ हर्ष जी, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू भैया, फर्स्ट रिस्पॉन्स में ही आपने बुला लिया मुझे, तो बहुत बहुत थैंक यू बाहु एक्सप्रेस का और आपका भी। हर्ष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बड़े कम लोग हैं जो आज डोगरी को प्रमोट करते हैं और आप बारहवीं जस्ट अभी पास आउट हुए हैं और आपने एक एप्लीकेशन का निर्माण किया। बड़े बड़े आईटी सेक्टर में लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसके बाद इस एप्लीकेशन को बनाने का कोई भी काम होता है, एप्लीकेशन फिर बनती है जाकर। इस सॉफ्टवेयर को कैसे आपने इन्वेंट किया, कैसे दिमाग में सोच आई और इसके पीछे की कितनी ज़्यादा मेहनत जो थी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन थे और आपने अभी इसको इन्वेंट किया है और अभी प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन हमें देखने को भी मिल रही है। सबसे पहले तो आप सबको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं भैया, आपको भी, चाहे भैया आप हो एंड जितने भी लोग ये फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्टली, आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, अपने फ़ोन में गूगल या प्ले स्टोर खोल लीजिए। सेकेंडली, अपने गूगल या प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा डोगरी ट्यूब, DOGRITUBE, डोगरी ट्यूब। एंड थर्डली, डोगरी ट्यूब ऐप को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रख लीजिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं, सब फॉलो कीजिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा किसने किए और किसने नहीं किए। थैंक यू। तो अब मैं डोगरी ट्यूब के बारे में बताता हूँ आपको। तो डोगरी प्लस ट्यूब, डोगरी ट्यूब, इसका मतलब है डोगरी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी ऐप जिसके अंदर आपको जम्मू कश्मीर के जितने भी क्रिएटर्स हैं, पुराने हो चाहे नए हो, सबका कॉन्टेंट एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, उसे डोगरी ट्यूब कह सकते हैं आप। तो बेसिकली इसके अंदर आपको कोई भी टाइप का कंटेंट हो सब देखने को मिल जाएगा, ओनली ऑन डोगरी लैंग्वेज। तो इसके अंदर आपको फूड ब्लॉग्स हो गए, चाहे वो टूर ब्लॉग्स हो गए, चाहे वो एंटरटेनमेंट वीडियोस हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, सब कुछ आपको डोगरी ट्यूब ऐप में देखने को मिल जाएगा। हर्ष, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने डोगरी ट्यूब जब बना रहे थे, क्या दिमाग में वो सोच थी कि हमें अपनी डोगरी को प्रमोट करने के लिए कोई एप्लीकेशन तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं तो बड़े कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ, जैसे YouTube की अगर बात करें तो उस पर बड़ी सारी वीडियोस आती हैं हिंदी, इंग्लिश, मैक्सिमम लैंग्वेज में, साउथ की बात करें बंगाली लैंग्वेज वहाँ पर है। आपने क्या सोच रखी और परिवार जो है, क्योंकि आपकी स्टडीज चल रही हैं, काफ़ी कम उम्र है आपकी, और परिवार ने किस तरीके से प्रोत्साहन दिया और कितना प्यार जो था परिवार ने दिया कि आप जिस जो चीज़ चाहते हैं करना वो करें? जी बिल्कुल, वैसे तो मैं 4 साल से इसी काम में हूँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता हूँ एंड अभी मैं क्लास 12 से पास आउट हुआ हूँ जस्ट। सो बेसिकली मैं सोच रहा था कि क्यों ना, वैसे तो जम्मू के अंदर डेवलपर्स भी बहुत कम हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कोई नया क्रिएटर बनना चाहे या कोई वीडियोज़ डालना चाहे डोगरी लैंग्वेज में, तो उसे एक प्लेटफॉर्म दे सकें कि जिसके थ्रू हम उन्हें प्रमोट कर सकें। सो डोगरी ट्यूब एप्लीकेशन में आपको सभी क्रिएटर्स दिख जाएंगे और अगर कोई नया क्रिएटर आता है डोगरी में जो प्रमोट करता है तो हम उसे भी ज़रूर प्रमोट करेंगे। एंड बाकी 4 to 5 months लगे इस एप्लीकेशन को बनाने में, अब आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल दिख जाएगी एप्लीकेशन, जस्ट आपको डाउनलोड करके रख ले। मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को अपने फ़ोन में वो प्ले स्टोर पर जो आपकी एप्लीकेशन का व्यू है वो थोड़ा सा दिखा दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि आखिरकार हमें जो है वो कैसे ऐप मिले। बिल्कुल।
ये प्ले स्टोर का पेज है, आपको सर्च करना है डोगरी ट्यूब, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लीजिए। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर डोगरी ट्यूब है, मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। कंटेंट जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको हर एक डोगरी में आज तक की इतिहास में जो भी कुछ डोगरी में हुआ है, इस पर आपको सारा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और इस बच्चे ने मेहनत जो है वो 4 साल से कर रहा है, और 4 से 5 महीने अपनी स्टडीज़ के साथ इसने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज डोगरी को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले तो इसको और इसके परिवार को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि बड़े सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि पहले पढ़ाई करिए उसके बाद करिए, लेकिन इनके माता पिताओं को भी शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने इसको जो है प्रोत्साहन दिया, इसका साथ दिया, और आज इसने 4 से 5 महीने में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर में लोग करने वाले जो है वो कई साल लगाते हैं, फिर जाकर एक एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर में तैयार होती है और उसके बाद उसका यूज़ जो है वो लोग करते हैं। हर्ष, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बाकी बड़े सारे लोग जम्मू के अंदर हैं जो बड़ी सारी प्रतिभा जम्मू के अंदर है, हर एक फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लें इस वक्त में, उन लोगों को क्या मैसेज है अपने सपनों को किस तरीके से पूरा कर सकें? जैसे आपकी रुचि इस फील्ड में थी, आपने इसमें काम किया, 4 साल पहले दिए, 5 से 6 महीने इस ऐप को डाउनलोड करने में बनाने में लगे आपको, उन लोगों को क्या संदेश है? जी बिल्कुल, आपको जो भी आता है आप उसको डोगरी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन थी, मेरे पास और भी कुछ आइडियाज़ थे बट मैं डोगरी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, एंड आगे भी आपको डोगरी के रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, एंड हमारे ही थ्रू सबसे पहले आपको मिलेंगी। अभी तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, अभी हम बहुत कुछ लाएंगे, अभी नेक्स्ट मंथ भी हम इसका एक नया अपडेट देंगे जो कि बहुत ही स्प्लेंडिड शानदार अपडेट होगा, आप सबको काफ़ी मज़ा आएगा उसके अंदर। आपको मतलब कि आपने ऐसी चीज़ें जम्मू के अंदर नहीं देखी होंगी, वो हम करेंगे, एंड आप भी कीजिए जो आपको आता है, आप उसे डोगरी के थ्रू प्रमोट कीजिए। एंड बाहू एक्सप्रेस न्यूज़ की तरह काफ़ी सारी कंपनीज हैं और बाहू एक्सप्रेस खुद है जो तैयार है आप सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखो हर्ष, एक चीज़ और, डोगरी चाहे तुम्हें एप्लीकेशन बनाई है तो डोगरी से गालनी करके तो लोग आखना एप्लीकेशन डोगरी से गालनी करा देना ना, तो डोगरी से मैं तुम्हें कोई सवाल पूछना है कि तुम्हारी मेहनत कल्ले ही क्या की गई और भी तुम्हें साथी दोस्त याद करना है जो मदद की थोड़ी? नहीं अजय, तो मैं कल्ले के बना रहा हूं एप्लीकेशन। अच्छा, आगे दिखने अगर कोई और जरूरत पड़ी तो टीम भी कर गए अपनी पूरी। तो फाइनेंशियल मदद कोई गवर्नमेंट को ना सपोर्ट? देखो बड़े सारे लोग जो है इतना साढ़े ना जम्मू के बड़ी ये कमी है एक कि बच्चा हुनार बड़ा है जल्द जीती जाता ना कोई स्पोर्ट्स या कोई चीज़ कर लेता उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट देने लिए हार पाने लिए नेतागण भी आई जाते, लेकिन जल्द मेहनत करा होता ना जल्द कोई दवाजे को जाता भी मेरी मदद चाहिए और लगता कोई साथ ही दिता है, तो उन्हें नेताएं भी क्या आ गए कि लोगों की प्रमोट किया करो, बच्चों की प्रमोट किया करो तुम? जी नेता तो बात की गल है, पर पहले तो सारे हेल्प करो, सपोर्ट करो, एंड इस एप्लीकेशन सिर्फ तुम्हें डाउनलोड करना है, बाकी काम है सारा आपे कर लेना है, तो तुम्हें सिर्फ डाउनलोड करो और सपोर्ट दसो अपनी, बाकी सारे की सपोर्ट करनी चाहिए जरूर, जो कुछ कर रहा है कोई तो उसकी जरूर सपोर्ट करनी चाहिए। जम्मू तो नानक नगर होंगे? जी बिल्कुल, नानक नगर। चलो हर्ष, तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्रिया, तो साढ़े चैनल पर आए और तुसें सानू मौका दिता, इन्ने होनहार प्रतिभाशाली होइए तुस साढ़े कोल आए, आपू चली, हालांकि ऐसे तुंदे कोल आना चाहिए तो सानू अप्रोच किया। इहे साड़ी थोड़ी जी जम्मू च थोड़ी खामी है कि टैलेंट की पहचान ने बड़ी देर लगी जाती है, तो साड़ी माफी की तुम्हें 4 साल बाद तुम्हें मौका मिले, पहला बच्चा तो मैं तुम्हें पहला आई जाता। जी बिल्कुल, थैंक यू, तो हूँ भी मिली है, बहुत बहुत थैंक यू, और बाकी बहुत थैंक यू। चलो तो ये हर्ष कुमार हमारे साथ है, जम्मू का एक होनहार छात्र कहूँ जो सिर्फ अभी 12वीं कक्षा जिसने पास की है, और 4 साल की मेहनत और 6 महीने की कड़ी लगन जो है उसने दी, उसके बाद अपनी डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उसने डोगरी ट्यूब एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बनाई ताकि आप लोग डोगरी में वो सारा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे देख सकें, आपको दर बदर भटकने की जरूरत जो है वो ना पड़े। बड़े सारे लोग डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा, चाहे सैम पंडो जी हैं, चाहे वर्षा जम्वाल हैं, चाहे आरजे श्वेतिमा हैं, बाकी और अन्य कलाकार जितने भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर जरूर करूंगा, और इस बच्चे को आप प्रोत्साहन जरूर दें, इसकी एप्लीकेशन के लिए आप अपने पेजिस पर जरूर इस लिंक को प्रमोट करें कि इस बच्चे को इस हुनर को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आप लोगों का कंटेंट ये एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा है और लोगों को सहूलियत जो है वो प्रदान कर रहा है। इसी के चलते ये बड़ी अपडेट आप लोगों तक साझा करना बहुत जरूरी था, और इसको हर्ष कुमार की अगर बात करूँ तो इसको आप लोगों तक लाना बहुत जरूरी था, प्रतिभा बहुत है, उस प्रतिभा को
पहचानना और तलाशना जो है अभी जारी है। जम्मू में बड़े नए कलाकार आ रहे हैं, उन कलाकारों को हम सब ने प्यार देना है और अपनी डोगरी लैंग्वेज को हमने जम्मू जैसे टॉप मोस्ट उस भारत के नक्शे पर है वैसे ही हमें डोगरी लैंग्वेज को भी भारत के उत्तीर्ण भाषाओं में से एक दर्शाना है। आप सभी को याद है, आप सभी साउथ की मूवीज देखते हैं, वहाँ पर जो उनकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, वहाँ के लोग उसे कितना प्यार करते, चाहे भोजपुरी है, चाहे बंगाली है, चाहे मलयालम है, चाहे तमिल है, वहाँ के लोग अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए जी जान लगा देते हैं। हम जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी आवाम और अपनी डोगरी को प्रमोट करने के लिए एक कदम या एक शेयर या एक लाइक या एक कमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों से गुजारिश है, हर्ष कुमार की एप्लीकेशन को प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, उसको डाउनलोड करिएगा, उसकी वीडियोज़ को देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और इसको प्यार यूं ही देते रहिएगा, आगे भी आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन जो है वो लेके आता रहेगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।